लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? जवान बॉक्स ऑफिस पर तोड़ेगी रिकॉर्ड। क्या शाहरुख की एक्ट्रेस की शादी होगी ऑनलाइन स्ट्रीम? आखिर कौन कौन सी सेलिब्रिटीज की शादी आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने वाले हैं? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जेआर। दोस्तों, इंडिया में एंटरटेनमेंट का नया दरवाजा खुलने जा रहा है सेलिब्रिटी शादी की वीडियो के साथ। पिछले कुछ टाइम से ये चर्चा थी कि मलयालम सुपरस्टार नयनतारा और तमिल फिल्म मेकर विघ्नेश शिवन की शादी का वीडियो स्ट्रीम किया जाएगा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। ये चर्चा सच भी साबित हुई है। खबर है कि शाहरुख खान की फिल्म जवान से बॉलीवुड में कदम रखने जा रही नयनतारा का शादी का वीडियो आने वाला है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। नेटफ्लिक्स ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है और साथ ही ऑडियंस को बताया है कि ये फेरी टेल आप देखने के लिए तैयार हो जाइए। नयनतारा और विघ्नेश की शादी पिछले महीने 9 जून को महाबलीपुरम में हुई थी, काफ़ी धूमधाम और ग्लैमरस अंदाज में। साउथ इंडस्ट्री के साथ बॉलीवुड के तमाम दिग्गज इसमें शामिल हुए थे। इस शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। खबर है कि विघ्नेश और नयनतारा की लव स्टोरी और शादी की वीडियो को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। फिलहाल रिलीज डेट तो अनाउंस नहीं की गई है। शादी की इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर गौतम वसुदेव मेनन है और इसे राउडी पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी शादी की वीडियो स्ट्रीम की जाएगी, जिसमें प्रियंका, निक जोनस, दीपिका, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम शामिल है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें जवान का ऑलरेडी टीजर रिलीज किया गया है, जिसमें शाहरुख एकदम अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। जहाँ शाहरुख खान की एक अलग ही फैन फॉलोइंग है, बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, वहीं साउथ सुपरस्टार नयनतारा भी किसी से कम नहीं है और जिसका सीधा फायदा मिलने वाला है जवान की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को। तो दोस्तों, आपको कितना इंतजार है जवान का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।